जलाली बाबरकत और पीतल नाम में आपकी शांति हो। आप देख रहे हैं CRN चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैसलाबाद जड़ांवाला में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसमें हमने भी विज़िट किया और लोगों ने भी बताया कि 25 से ज़्यादा चर्चित हैं जिनको नज़रे आतिश किया गया है, और इसके साथ साथ जो है वो सैकड़ों घरों को जो है वो जला दिया गया है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सैकड़ों बाइबल्स को जो है वो पैरों के नीचे रौंद के जो है उनको जलाया गया है। और हद तो इस बात की थी कि लोगों ने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा, लोगों ने कब्रों पे लगी क्रॉस को भी जो है वो रौंद डाला। तो मेरा उन तमाम लोगों से ये सवाल है जिन्होंने ये हमला किया है कि कौन सी ऐसी आग थी, कौन सी ऐसी हसद थी जो आपके दिलों में पनप रही थी और आपने गुस्सा निकाला फैसलाबाद के मासूम शहरियों पर, मासूम लोगों पर, और आपने खुदा के घर को भी नहीं छोड़ा। यहाँ पर मेरे साथ जो है इस मोहल्ला के, क्या नाम है इसमें लिखा, नासर कलोनी में हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो हमारे बहन भाई जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो है वो हमसे बात करेंगे कि किस तरह जो है ये सारा वाकया पेश आया। हम जो है वो लाइव, जो ये हमारे पास बहन मौजूद हैं, इन्होंने जो है ये सारी सूरत हाल देखी है, इन्होंने फेस की है, तो ये आपको बताएंगे। जी बाजी, जब ये हमला किया गया तो क्या सूरत हाल थी? आप सब नाज़रीन को जो दुनिया में आपको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, और जो दुनिया में आपको देखेंगे, आप उनको जो है वो क्या सिचुएशन बताना चाहेंगे? एक्चुअली भाई, हम सुबह के टाइम अभी कुछ ने नाश्ता किया, कुछ अभी करने की तैयारी कर रहे थे, छोटे छोटे हमारे बच्चे आधे कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, हमें तो सूरत हाल का पता ही बाद में चला। हम लोगों को 10-11 बजे के करीब पता चला है कि यहाँ पे कोई हमला होने वाला है, वो भी हमें आस पड़ोस के देहातों में ऐलानात करके मौलवी हजरात ने अपने जितने भी लोग थे उनको जमा किया गया। चलो हम लोग अपनी जाने महफूज करने के लिए खेतों में चले गए, लेकिन हमें वहाँ भी जायपना नहीं दी गई, हमें वहाँ से भी निकाला गया, हमारे पीछे चढ़ाई की गई। औरतें और बच्चे अब कहीं भी हमारे महफूज नहीं रहे, हमारे लिए पाकिस्तान में जायपना ख़त्म होती जा रही है। हमारी क्लीसिया का क्या गुनाह क्या है? अच्छा बजी, जब ये हमला हुआ है तो जितनी भी यहाँ पे फीमेल्स थी, औरतें थी, बच्चे थे, तो क्या आपने मतलब लाहे अमल क्या अपनाया उनसे बचने के लिए? हम भाई यही कर सकते थे, यहाँ से भाग के हम खेतों में चले। ये साथ जो है वो आप खेत, यहाँ पे वो आप, 3-4 मेल ही थे जिन्होंने दूसरी खवातीन को भी निकाला कि हाँ यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ हो सकता है, इसीलिए वो लेके हमें खेतों तक गए। लेकिन खेतों के अंदर भी इनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलों पे ये लोग हमारे पीछे वहाँ तक पहुँचे। हम भाग कर अपनी जान बचाने के लिए रोड के ऊपर गए, वहाँ पे हमने रोना पीटना शुरू किया कि हमें किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है, हमें तो अभी तक सही मालूम ही नहीं है कि मसला क्या हो रहा है। अब फिर बाद में पता चला जी तौहीन रसालत की है, उसका मज़ा चखाया जा रहा है। अच्छा, मैंने जो है वो एक वीडियो देखी जिसमें वो सारा वो एविडेंस के तौर पे जो है वो दिखा रहे थे कि जो है वो एक एविडेंस है, जिस बंदे ने गुस्ताखी की है उसने एक पूरा लेटर लिखा है कुरान शरीफ के उराक को जो है वो जलाया है, और उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी है और साथ में अपनी तस्वीर लगाई है, साथ में अपना फ़ोन नंबर दिया है, तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? भाई एक बात बताएं, मेरी ज़रूरी कागजात तो कोई भी ले सकता है, बाकायदा जब तक कोई लिखते हुए ना किसी को देखे तब तक कैसे कह सकता है? वो तो मैं भी कर सकती हूँ, किसी के भी खिलाफ कर सकती हूँ। इसमें जो ज़रूरी बात ये है जो मुझे समझ आई कि वो जब ये कोई भी अगर ऐसी कोई हरकत करता है, पहली तो बात है कि पूरी दुनिया के मसीही जो है वो अमन पसंद है, और हम जो है वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम तो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते हैं जैसे कि हमें बाइबल मुकद्दस सिखाती है, तो फिर कोई भी इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकता कि वो एक, उसको पता है कि जान का ख़तरा भी है, मसला भी हो सकता है, और वो अपना फ़ोन नंबर भी दे, अपनी तस्वीर भी लगा दे। ये बात भाई, ये प्रोपेगंडा किया गया उस फैमिली के भी खिलाफ, और उस फैमिली का बहाना बना के तमाम क्लीसिया को तंग किया गया, हमें भी उकसाया गया लड़ाई के लिए, लेकिन हम अमन पसंद कौम हैं। अच्छा, इसी वजह से हमने ज्यादा नुकसान उठाया। कितने को जो है वो आपके अंदाजे के मुताबिक कितने चर्चेज को जो है वो जलाया गया है? 25 से ज्यादा ही है। अच्छा, 25 से ज्यादा चर्चेज, क्योंकि हमने कोई 8-10 चर्चेज जो है वो अभी तक हमने विजिट किए हैं, सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बाजी बता रही हैं कि 25 से ज़्यादा जो है वो चर्चेज हैं, क्योंकि ये इस एरिया में जो है वो रहायशी हैं। अच्छा, कितने को घर जो है वो जलाए गए हैं? भाई इसकी तो तादाद अभी मीडिया तक तो बाद में पहुँचेगी, लेकिन हम तक भी सही मालूम नहीं पहुँच रहे हैं, हम अभी अपने मसाइल से नहीं निकल सके, हम उन तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, आपकी हुकूमत वक्त से और इंटरनेशनल मीडिया
और जो इंटरनेशनल लोग अभी आपको देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या उनसे जो है वो आप मुतालबा करती हैं? मैं मुतालबा उनसे यही करती हूँ और पूछना भी यही चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि आगे हमें कोई तहफ़ मिलेगा इनसे? ज़रा सा मसला होता है, तस्दीक किए बग़ैर हमारी अवामों पे चढ़ाई कर दी जाती है, हमारी बीबियाँ हमारे बच्चे क्या महफूज हैं यहाँ पर? क्या इस कौम का इस मुल्क पर कोई हिस्सा नहीं है या कोई हक नहीं है? हमारे हकूक कुछ भी नहीं है? अगर एक ने तौहीन रसालत की तो कितनी बाइबलों का तकद्दस पामाल किया गया, इसके ऊपर किसी ने सवाल उठाया या किसी ने पूछा? अगर एक बुरा था तो कितने हजारों ने हमारे साथ ज़्यादती की? बेशक। तो इसके सिले में क्या करेंगे? क्या हमें भी इंसाफ देंगे या चार दिन बाद भूल जाएंगे? इतने पैसों का ऐलान हो गया, इतने का हो गया, ये कब होगा और कैसे होगा? ये सिर्फ दावे हैं। अगर ये होना होता तो जिस रात ये वाकयात हो रहे थे उस दिन कुर्सी की जंग ना होती, अवाम की प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाता, लेकिन किसी ने जहमत गवारा नहीं की। हम लोगों ने खुद रेस्क्यू पे फोन किए लेकिन हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। पुलिस का क्या रिस्पॉन्ड था जब आपने कॉल की? पुलिस थी ही नहीं उस दिन, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था, हमारी कॉल अटेंड नहीं की गई तो हमें क्या प्रोटेक्शन मिला? अच्छा, मुझे पता चला है कि पुलिस को जब कॉल की गई तो पुलिस ने बजाय ये कि तहफ्फुज देने के, उसने जो है वो कहा कि जी आप घर खाली कर दें, ऐसा हुआ? जी हुआ, रिकॉर्डिंग ज्यादातर चलती रही है भाई। अच्छा, डीएसपी ने ऐसा जो है वो कहा? जी बोला है। हाँ जी, जी नाज़रीन, आप ये बोला है कि अपनी जाने बचाओ, घर छोड़ दो, ये मेरे से मसला नहीं हल हो सकता, घर छोड़ दो। देखें जी, इतना बड़ा सवालिया निशान है कि एक पुलिस जिसको हम हाफिज कहते हैं, अवाम का मुहाफिज जो है, वो आपको खुद आके कह रहा है जी आप बच जाएं, बजाय ये कि प्रोटेक्ट करने के आगे खड़ी होती पुलिस। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर पुलिस खड़ी होती आगे सीना तान के तो किसी भाई नहीं हो सकती। असल में बात ये, हमारे चर्चों को प्लेट में रख के उनके आगे पेश किया गया कि लो इनका तकद्दस पामाल करो। साथ थी इस वक्त, अगर हम मजहब को लेकर इतने हद तक जा सकते तो फिर इस मजहब को क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया गया, मुझे ये बताएं। आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या जो है वो मुतालबा करते हैं? हमें प्रोटेक्शन चाहिए, आइंदा के लिए लाहे अमल वो चाहिए जिसमें मुझे पता हो मेरे बच्चे मेरे चर्च महफूज है, आइंदा इन पे कोई हमला नहीं होगा। अगर कोई तौहीन रसालत का जरा सी हवा भी उड़ती है तो मार धाड़ भी उतर आते हैं। किसी की तस्दीक हुई आज तक? कभी नहीं। अगर तस्दीक करने के लिए बिलफर्ज कोई निकला या उसे रस्ते में मार दिया गया, उसके लिए भी इनके लिए वाह ही है, लेकिन असल हकायक आज तक किसी ने सामने नहीं लाए और ना ही आने दिया जाता है। तो प्लीज इसके लिए कोई कानून पास करें जिसके अंदर कम से कम हमारे गिरजाघर महफूज हो सके। अगर वो खुदा का कलाम है तो ये भी उसी का घर है। बेशक, बल्कि ये एक मुसलमान का ईमान है कि वो तौरात, ज़बूर, अंजील को जब तक ना माने वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो आप जब मुसलमान भाई ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आपने कुरान शरीफ की हुरमत के लिए तो जो है वो घरों का जला दिया, लेकिन आपने उसी गिरजा घरों का तकद्दस पामाल नहीं होना चाहिए। खुदा के कलाम को इधर भी जला दिया तो आप किस जगह पे, किस नहज पे खड़े हैं आप? अपना हम बाजार गली में जाते हैं तो वो भी कहते हैं अब दुख हुआ आपको, ये हमसे कहा जा रहा है अब दुख हुआ आपको। कौन कहता है? ये गली बाजारों में जो भी हमें मिलता है। अच्छा, लोग अब हमारे बच्चे स्कूलों में जाएंगे ना, तो एक बात कहूँ, मेंटली तौर पे वो भी सेटल नहीं होंगे, उनके लिए भी मसाइल खड़े होंगे। ये अभी सिर्फ हम यहाँ तक सोच रहे हैं, लेकिन अगर हम दिमाग से सोचे ना तो हमारे बच्चों को मेंटली तौर पर टॉर्चर किया जाएगा। सही। तो हमें उससे कौन बचाएगा, वो कौन तहफ्फुज देगा? कोई लाहे अमल हुकूमत के पास या किसी के पास है इस चीज़ का? कोई नहीं जानता हमारे बच्चों के जहनों पे अब क्या असरात पड़ेंगे। मेरी ये छोटी सी बच्ची 1.5 साल की बीमार हो गई, ये भाग दौड़ देख के, अब वो बड़े बच्चे हैं, हर सवाल का जवाब चाहते हैं, तो हम बताएं हम उन्हें क्या जवाब दें? क्या हुकूमत इसका कुछ करेगी या हमें करना है, या हम भी इनकी तरह बंदूकें लेके खड़े हो जाएं, जंगो जदल शुरू कर दें? क्या हम में हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है? लेकिन हम अपने पुरअमन होने का ये सज़ा पा रहे हैं। सो ये कब तक चलता रहेगा? आखिर को तो हम भी तंग आकर बंदूकें ही उठाएंगे। हमें अपने घर, अपने खुदा के घर भी अजीज हैं, इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। हम पुरअमन कौम हैं और पुरअमन ही रहना चाहते हैं। जोश हम में भी है, मोहब्बत हम में भी है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। तो काइंडली इस चीज़ पे सोचा जाए, हुकूमत वाले भी और दूसरे भी, कि आगे हमारे बच्चों के लिए कोई मसाइल ना खड़े करें, वरना आखिर हद तक हर चीज़ फट पड़ती है। अब हमारा सब्र भी ख़त्म होता जा रहा है। सो थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। जी, आपने सुना बाजी की जो है वो दर्दनाक बातें, और आखिर में
बाजी ने ये कहा, इस बहन ने, कि हमें जो है वो मजबूर ना किया जाए। मैं इससे पहले भी अक्सर औकात ये बात कहता हूँ कि मसीही नौजवानों के अंदर भी वही खून है। इसी मुल्क की जो गंदम मुसलमान भाई खाते हैं, वो गंदम जो है वो हमारे मसीही नौजवान भी खाते हैं, इनका खून भी इतना गर्म है। लेकिन आप में और हम में फ़र्क ये है कि हमें ये सिखाया गया कि हमने हाथ उठाना है लेकिन दुआ के लिए, आपने हाथ उठाना है जंगो जदल के लिए, मारने के लिए, कत्लो गारत के लिए, लेकिन हमें जो है वो दुआ के लिए हाथ उठाने के लिए कहा गया है। तो जैसे बाजी ने कहा कि आखिरकार जब जब जुल्म बढ़ता है तो फिर जो है वो नतीजा जो है वो किसी और तरफ चलता है, तो बजाय किसी और रुख जो है वो कोई और रुख जो है ये मुल्क इख्तियार कर ले, यहाँ पर जंगो जदल का समा जो है वो पैदा हो जाए, हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो इसको स्टॉप करे, इसको रोके, इस पर कदगन लगाए। और जिन लोगों ने यहाँ पर बाइबल मुकद्दस की बेहरमती की है, जिन लोगों ने चर्चिस को जलाया है, उनको कैफरे करदार जो है सज़ा मिलनी चाहिए। जी आपका यही मुतालबा है? कितने लोग जो मुतालबा करते थे अपना हाथ उठा दें, क्या हमारा ये मुतालबा है? ठीक है, क्या मुतालबा करते हैं आप जी? जी इंसाफ। क्या मिलना चाहिए आपको? क्या मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए जी? जी इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जिस तरह तमाम मुसलमान, हिंदू, सिख और मसीही इस मुल्क में एक ही जो है वो वतन के बासी हैं, इसी तरह हम सब भी हैं। हमारा ख्याल करेंगे तो मुल्क बढ़ता रहेगा, मुल्क अमन व शांति का गहवारा रहेगा, और हमारे मसीही कंट्रीज़ जहाँ पर आप जाते हैं, जहाँ पर आप जॉब्स करते हैं जाके, जहाँ पर आप नौकरियाँ ढूंढते हैं, वहाँ से आप पैसा कमा के अपने मुल्कों में लगाते हैं, तो अगर आपने यही रवैया इख्तियार रखा तो हमारे मसीही मुल्कों में भी जो है, अगर खुदा ना खास्ता ये हो गया, तो मसला जो है वो दूर तक चले जाएगा। खुदा आप सबको अपने अमन व ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, और इस मुल्क को हमेशा कायम रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यहाँ पर पहुँच कर अंदाज़ा हुआ है कि असल में नुकसान कितने हुए हैं, और जहाँ तक इस्लामिक वैल्यूज़ के मुताबिक है, मैं तो एक बात कहूँगा तमाम दोस्तों को कि सेंट कैथरीन का मुआहिदा ही देख लेते। सेंट कैथरीन के मुआहिदे में तो वादा किया गया है, कॉवेनेंट है, बाकायदा एग्रीमेंट नहीं, कॉवेनेंट है। कॉवेनेंट मतलब एक वादा, एक तरफा, कि उसके अंदर के तमाम मजहबी अकायद और उनके मजहबी मकामात को जलाया नहीं जाएगा, कोई चीज़ लूटी नहीं जाएगी। अब जिनको मानने वाले हैं हमारे मुस्लिम भाई, अगर जिन्होंने ये काम किया लूटना जलाना, तो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ ही बात हरकत कर दी हुई है। तो जहाँ तक कवानीन की बात है, असल में हुआ ये है कि वक्त के साथ साथ जितने भी हमारी क्रिश्चियन आबादियाँ हैं पंजाब के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे वाक़ात हुए हैं और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। इसी वजह से हौसला बढ़ गया हुआ है। अब इस इलाके में ये बात होगी कि जैसे भी किसी छोटे गाँव में कोई वाक़ा होगा तो उसकी बात ये मिसाल दी जाएगी कि देखें, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपके साथ जड़ा वाला की तरह ही वाकया होगा। तो मैं इस बात को बड़ा कंडेम करता हूँ, बीइंग चेयरमैन मेडिकल होप फाउंडेशन की तरफ से भी, और बीइंग एक्स प्रेसिडेंट क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन और एग्जीक्यूटिव मेंबर लाहौर बार के तौर पे भी इस बात थाने को कंडेम करता हूँ। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और मुतालबा करता हूँ स्पेशली कि यहाँ पर ये पुलिस की नाहेली है। गुजरांवाला के अंदर इस तरह का वाकया होने लगा था, उसमें पुलिस ने एक्टिव रोल अदा किया और इससे बचाया। यहाँ पे शदीद नाअहली है, लोगों को घर से निकाल दिया गया और उनकी इमारत जलने के लिए छोड़ दी गई। यही पुलिस अगर मौके पे कार्रवाई करती तो कभी भी ये वाकया यहाँ तक ना पहुँचता। और इसीलिए मुतालबा ये है कि यहाँ पे जो ज़िम्मेदार पुलिस अहलकारान हैं, उनको मुअत्तल किया जाए और उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, और ख़ास कर जो FIRs हैं उनके अंदर जो ये शवाहद हैं उनको कलेक्ट किया जाए, और अगर शवाहद कलेक्ट नहीं होंगे तो उनको सज़ाएँ नहीं होंगी। तो इसलिए प्रॉपरली इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और मुजलमों को कैफर किरदार पर पहुँचाया जाए। अच्छा काशिप भाई, एक चीज़ देखी गई है, जो एविडेंस पेश किया जा रहा है, उस एविडेंस को इस तरह पेश किया जा रहा है कि कुरान शरीफ के खुराक को जो है वो फाड़ा गया है, और उसके बाद जो है वो उस बंदे ने जिसकी जिस पर ये इल्ज़ाम है उसने अपनी तस्वीर लगाई है, अपना फ़ोन नंबर दिया है, अपना एड्रेस दिया है, तो क्या आपको लगता है कि ये है जो है इस तरह का कोई इंसिडेंट, या इस तरह का अगर किसी ने इरादा करना हो, या खुदा ना खास्ता, पहली तो बात है कि मसीही ऐसा कभी सोच नहीं सकते, अगर किसी ने किया है तो क्या वो ऐसा एविडेंस छोड़ेगा? आप चूँकि वकील हैं, आपकी नज़र में जो है ये क्या है? देखिए पहली बात है, जिसने कोई ऐसा इंसिडेंट करना है वो कभी भी अपनी तस्वीर नहीं लगाएगा और कभी भी इस तरह का वाकया नहीं करेगा। और 97-98% मुस्लिम आबादी के अंदर रहते हुए 2% अकलियत कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, और इस एविडेंस की कोई हैसियत नहीं कानून के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के एविडेंस को
वेट दी जाती है और नॉर्मली जो वाक़ात हुए हैं उसके अंदर सजाएं भी दी जाती हैं। लेकिन हकीकतन है ये दो ग्रुपों दो फैमिलीज़ का तनाज़ा था, जिस तनाज़े के नस्बत ये एक साजिश रची गई और ये वाक़ा हुआ और तमाम घरों को नुकसान पहुँचाया गया। और लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उस एविडेंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई जी शोर शख्स जो है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करी, या तो उसका फिर मेंटल प्रॉब्लम है कि वो अपनी तस्वीरें लगा के मशहूर होना चाहता है, तो ऐसे हकीकत में कभी भी कोई नहीं करेगा। जी शुक्रिया। तकलीफ़ हो रही है जितना, जो कुछ मैं अभी विज़िट करके आया हूँ, मैंने ईसा नगरी के 3 चर्चेज विज़िट किए हैं, जो लोगों के हालात हैं कुछ नहीं बचा यहाँ पे घर पे, मतलब ना उनके बिस्तरे बचे हैं, ना बर्तन बचे हैं, ना उनका कोई चीज़ नहीं। आप लोगों ने भी विज़िट किया है इसको, कैमरे में आपने भी पिक्चराइज़ किया है इसको, तो कुछ नहीं बचा। मतलब अब तो रेस्क्यू करने की ज़रूरत है इनको, कि मतलब जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, कोई मतलब एनजीओज़ वाले आते हैं, मिनिस्ट्रीज़ वाले आते हैं, या हुकूमत वक्त से हमारी गुजारिश है कि इनको रेस्क्यू किया जाए, उनके घरों के लिए सामान दिया जाए, ताकि जितना भी इनको इनके घरों में बसाया जा सके। अच्छा जिशान भाई, आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई मसीही कोई दुनिया में है या पाकिस्तान में है कोई ऐसा मसीही जो कुरान शरीफ की, जिसकी हम भी इज्जत करते हैं, कि उसकी जो है वो बेहुरमती कर सकता है? देखें, मेरा जो अपना एक सोच है उसके मुताबिक तो हम लोग तो ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो पहले ही यहाँ पर डरे हुए अकलीत हैं, तो हमारे तो जो माँ बाप होते हैं, वालदैन होते हैं, वो भी हमें यही सिखाते हैं और हमारा कलाम भी यही सिखाता है कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो ताकि तुम्हारे खुदा को बुरा ना कहा जाए। ठीक है, तो हम तो ये चीज़ें सोचते भी नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें सारी प्लानिंग के तहत होती हैं। कोई ज़ाती रंजिश होती है, ज़ाती दुश्मनी होती है, उसके इनाद में ये चीज़ें सारी प्लानिंग के साथ की जाती हैं। यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो आपने देखा होगा, यहाँ पर केमिकल यूज़ हुआ है, अगर केमिकल ना यूज़ होता तो लोगों के बर्तन बत्तक जल गए हैं। ठीक है, पंखे जल गए हैं, जो सेम कंडीशन जो गोजरा में वाकया हुआ उसमें इस्तेमाल हुआ केमिकल, जो शांति नगर में केमिकल इस्तेमाल हुआ, मतलब जो बादामी बाग में इस्तेमाल हुआ, तो किसी के पास ऐसा एसेट किसी भी नहीं। ये देखे ना, 1.5 घंटे में ये सारा कुछ जलाया गया, ये 25 चर्चेस जो है ये 1.5 घंटे में जलाए गए हैं। ये इनकी प्लानिंग के तहत ही हुआ ना, अगर प्लानिंग ना होती तो 1 चर्च जलता, 2 जलते। ठीक है, 1.5 घंटे में इतना बड़ा वाकया होना, ये मतलब बहुत बड़ा वाकया है। और मेरा ख्याल है तारीख का ये सबसे बड़ा तारीख का सबसे बड़ा वाकया है। आज तक हमने यही सुना था कि यहाँ पे मतलब एक आबादी तक मुहित होता था, ये जो भी हमारे साथ जुल्म होता था या जो वाकया होता था, सानिया होता था, एक आबादी तक, एक गांव तक था, शांति नगर एक गांव था, गोजरे में एक बस्ती थी, बादामी बाग में एक बस्ती थी, बामणी वाला कसूर में एक बस्ती थी, यहाँ पे तो पूरी तहसील के चर्चे जला दिए गए। इंतहाई ज़्यादा जुल्म की बात है। आप भाई से सुना आपने कि पूरी तहसील के जो है वो चर्चिस को जला दिया, इसका मतलब है कि इस हद तक नफरत है कि मतलब ये जवाब पैदा कर रहे हैं कि मसीही जो है इस मुल्क में ना रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क की सलामती और बका हमेशा कायम रहे, तो आपको मसीहियों को भी यहाँ पर जो है वो अमन से जो है वो रहने दिया जाएगा। जब तक आप इनको अमन से रहने नहीं देंगे, तब तक जो है वो मुल्क पाकिस्तान में सलामती नहीं हो सकती। गॉड ब्लेस यू। शुक्रगुजारी करते हैं, थोड़ी तारीफ करते हैं आज हम इस खानदानों के लिए जिनको अपने पास अपने